काई ढिंडोरा सॉन्ग ने आखिर बड़े बड़े सॉन्ग का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। मैं आप सभी के स्टूडेंट बताने वाला हूँ कि ढिंडोरा सॉन्ग ने 24 घंटे के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड बना, यानी कि कितने लाइक्स और कितने व्यूज और कितने कमेंट अभी तक सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जिसे देखकर आप चौंक सकते हैं। तो दूसरी बड़ी जो बिग इन्फॉर्मेशन देने वाला वसीम रिजवी के बारे में, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन देता हूं वसीम रिजवी के बारे में। इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अभी हाल ही के अंदर कुरान के अंदर से 26 आयतें निकालने का बोल रहा था और खुद का कुरान भी उन्हें बना लिया था, नौज बिल्ला। लेकिन अब सब बता दो, अभी हाल ही के अंदर इन्हें अपना धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान से हिंदू बना। चलो बना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर फुल आज़ादी है, आपको भी धर्म में से निकल कर दूसरा धर्म मतलब अपना सकते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे आप एक मुस्लिम हो चाहे हिंदू कोई भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब बता दूँ, जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन करने के बाद इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत सलत बोल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप एक मुस्लिम है तो आपका भी दिल दुखेगा। तो आप सबसे पहले उसका छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए, धर्म परिवर्तन करने के बाद वो किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम को किस तरह से ख़राब बोल रहा है। तो आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए। जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई में कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुश शर्म आती है। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। तो गाइस आपने छोटा मोटा वीडियो देख ही लूंगा, इसने जो धर्म परिवर्तन किया इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई भी धर्म में जा सकता है। लेकिन जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस्लाम को गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है कोई भी धर्म को गलत बोलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है, इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बार बार इस्लाम धर्म को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राब हो रहा है, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहे आप हिंदू देखें मुस्लिम देखें कोई भी देखें, क्योंकि किसी के भी धर्म को बोलना गलत है, गलत है। और कहीं रही बात, ये 26 आयतें कुरान में से निकालने चला था, 26 आयतें ये निकाल नहीं पाया, लेकिन अब बता दूँ अल्लाह ने इसको इस्लाम में से निकाल दिया। तो क्या इस पर आपकी क्या राय, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को, दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन तो ढिंडोरा सॉन्ग के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि ढिंडोरा सॉन्ग यूट्यूब के हिस्ट्री का सबसे बड़ा सॉन्ग रहने वाला है, और गाइस उन्हें वो करके भी दिखाया। जैसे कि आपसे बता दूँ, इसको 24 घंटे के अंदर सिर्फ 24 घंटे के अंदर 12 मिलियन प्लस कुछ व्यूज़ हो चुके हैं, और साथ ही साथ आप लाइक देख के चौंक सकते हैं, जो आपको साइड में दिख ही रहूँगा 2.7 मिलियन। आप सभी को बता दूँ, कई सारे मैंने सॉन्ग चेक करे, जुबिन नौटियाल के भी कई सारे सॉन्ग चेक करे, उस पर 100 मिलियन व्यूज़ है, लेकिन लाइक 1 मिलियन या 1.5 मिलियन या 2 मिलियन, वो भी 150 मिलियन के व्यूज़ पर। आप सोच सकते हैं कि 150 मिलियन व्यूज़ आने के बाद सिर्फ 1.5 या 2 मिलियन लाइक मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूँ, ढिंडोरा सॉन्ग ऐसा है जो सिर्फ 12 मिलियन व्यूज़ लिया और सारे बड़े बड़े सॉन्गों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2.7 मिलियन लाइक। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग को भी इतने भी तक लाइक नहीं मिले जो इस सॉन्ग को मिले, जो कि अपना एक बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल हीरो है जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनका रिकॉर्ड तोड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बॉलीवुड को डायरेक्ट टक्कर देना एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड बनता है। तो क्या इसी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या इस सॉन्ग की रिकॉर्ड तोड़ने की वजह यह है कि इसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी थे, यानी कि बड़े बड़े यूट्यूबर थे, राउंड 12, आशीष चंद्रानी, कैरी मिनाटी, बीबी के वाइस, ऐसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर थे जिसकी वजह से ये काम साबित हो पाया। तो अगर आपने सॉन्ग देखा होगा तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वसीम रिजवी इस्लाम को फिर से खराब ना बोले। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, धर्म परिवर्तन किया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस्लाम को खराब ना बोले, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।